गुड मॉर्निंग बच्चों, आपने द नोबल लेचर की पोइम कंप्लीट पढ़ ली है। उसका एक्सप्लेनेशन आपको कल मैंने पढ़ा दिया है पिछले वीडियो में। तीन जो एक्सप्लेनेशन थे, तीन प्रकार के जो स्टेंजा थे, वो मैंने एक्सप्लेनेशन करके आपको बता दिया। बच्चों समझ में आ गया होगा। हर एक्सट्रैक्ट के नीचे मैंने आपको जो वर्ड मीनिंग दिए हैं और सिनोनिम वर्ड्स भी आप तैयार करेंगे इसके साथ। अब देखो बच्चों, इसी पोइम्स के अपन टेक्सटुअल क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेक्सटुअल टेक्सटुअल क्वेश्चंस। आज हम इस टॉपिक की बात करेंगे। आज जो आपकी पोइम के आगे जो टेक्सटुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को समझेंगे। जो बोर्ड की एग्जाम में आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपके 4 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 3 करने होंगे। ओके, तो हम आज पहला जो क्वेश्चन देखो इसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, इसकी वर्ड लिमिटता क्या लिखी मिलेगी आपको। देखो ये दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 या 30 वर्ड्स। तो आज अपन टेक्सटुअल क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों। तो ये देखो पहला क्वेश्चन जो बन के आ रहा है यहां पर, इनमें क्या पूछा है कि वर्ड सिंबल्स SYMBOL, वर्ड सिंबल्स डज बेन जॉनसन बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर। देखो बच्चों ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या कहना चाह रहा है कि वर्ड सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर। कि वर्ड सिंबल्स का मतलब होता है कौन से प्रतीक डज बेन जॉनसन ड्रा फ्रॉम नेचर, यानी बेन जॉनसन ने कौन से प्रतीकों, प्रकृति से, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति से किन प्रतीकों को काम में लिया है। बच्चों आपने पढ़ा है पोएम, प्रकृति के दो भौतिक संसाधनों का उन्होंने इसमें यूज किया है। ये जो प्रतीक माने गए, सिंबल्स माने गए हैं, उनका यूज करते हुए मनुष्य के अल्पकालीन और दीर्घकालीन जीवन के उसने के साथ उन्होंने कंपेयर की है उन दो सिंबल्स की। तो वो कौन से थे, ध्यान है आपको, एक बलूत का पेड़, ओक ट्री, और एक लिली फ्लावर जो एक कुमुदनी का फूल माना था हमने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो देखिए आप ये लिखोगे, आप सब्जेक्ट से आंसर स्टार्ट करोगे। देखो ये कह रहा है बेन जॉनसन आप ड्राज कर सकते हैं या यूजेज कर सकते हैं। ठीक है, बेन जॉनसन यूजेज सिंबल्स आगे लगेंगे आप फ्रॉम नेचर सच एज लिखेंगे ऑक ट्री एंड एंड लीली फ्लावर। क्या दिया है, एंड लीली फ्लावर। देखो बच्चों इसी क्वेश्चन का क्या आपका आंसर क्या बनेगा कि बेन जॉनसन यूजेस सिंबल्स फ्रॉम नेचर, कि बेन जॉनसन है वो प्रकृति से सच एज यानी निमन ऐसे प्रतीकों को काम में लेता है, ऑक ट्री बलूत के पेड़, एंड लिली फ्लावर का मतलब होता है कुमुदनी का फूल। कि बेन जॉनसन है वो बलूत के पेड़ और कुमुदनी के फूल जैसे प्रतीकों को प्रकृति से काम में लेता है। ओके, चला हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि मेंशन
मेंशन द क्वालिटीज क्वालिटीज ऑफ एन ऑक ट्री। देखो मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ऑक, मेंशन क्वालिटीज क्वालिटीज विशेषताएं ऑफ बलूत के पेड़ की क्या विशेषता बताई गई है। तो देखो बच्चों बलूत का पेड़ आपने पढ़ा है, बलूत का पेड़ होता है उसकी एज जो मानी गई अबाउट 300 ईयर्स मानी गई है, एक बड़ा पेड़ माना गया है। और आखिर में क्या होता है, वो बलूत का पेड़ होता है एक लट्ठे के रूप में मुरझाकर और बिना पत्तियों के नीचे गिर पड़ता है। बच्चों ये आपने पढ़ा था, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे बच्चों। तो देखो आप ये लिखेंगे यहां से ले लो, एन ऑक ट्री लिव्स अबाउट 300 300 ईयर्स 300 ईयर्स, ये लगभग 300 वर्षों तक इसका अस्तित्व रहता है। फिर आप लिखेंगे इट इज ए हूज ट्री, ये एक विशाल पेड़ होता है। फिर आप लिखेंगे इन द एंड ऑफ, आखिर में इट फॉल्स, ये गिर जाता है लाइक लॉग ड्राई लिपलेस एंड सेपलेस। ये देखो बच्चों ये क्या कह रहा है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। एन ओक ट्री लिव्स अबाउट 300 ईयर्स, एक बलूत का पेड़ होता है उसका अस्तित्व लगभग 300 सालों तक होता है। इट इज ए हूज ट्री, ये एक विशाल पेड़ होता है। इन द एंड ऑफ, आखिर में इट फॉल्स, ये गिर पड़ता है लाइक ये लोग एक लट्ठे की तरह लट्ठे के रूप में, ड्राई लिपलेस एंड सेपलेस यानी सूख कर बिना पत्तियों की और बिना लकड़ियों की वो नीचे गिर पड़ता है। बच्चों आगे समझ में, ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए इस पॉइंट में से। ये आप अपने रजिस्टर में साथ साथ उतार रहे होंगे बच्चों, अपने रजिस्टर में नोट करते जाएं। ये आपकी बोर्ड की एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, टेक्सुअल क्वेश्चन भी आएंगे। तो देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आगे। अगला जो क्वेश्चन बनेगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज ए लिली हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे इम्प्रेस अस, क्या कहना चाहता है कि हाउ डज ए लिली ऑफ ए डे। लिली का मतलब कुमुदिनी का फूल, ऑफ ए डे यानी एक दिन के लिए खिलने वाला, मात्र एक दिन के लिए खिलने वाला कुमुदिनी का फूल इंप्रेसस, वो हमें प्रभावित कैसे करता है, वो अपना प्रभाव कैसे छोड़ता है हमारे ऊपर। तो देखो इसका क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि आप क्वेश्चन से ले लीजिए, ए लिली ऑफ ए डे इंप्रेस अस बाय इट्स ब्यूटीज बाई इट्स ब्यूटीज, ये कह रहा है कि बाई इट्स ब्यूटी, आप ब्यूटीज की जगह ब्यूटी कर दें ज्यादा बेटर रहेगा। बाई इट्स ब्यूटी विच गिव्स अस जॉय एंड हैप्पीनेस,
देखो बच्चों ये ध्यान से देखो, ये कह रहा है लिली ऑपेडे, एक कुमुदिनी का फूल जो होता है इम्प्रेशस, वो हमें प्रभावित करता है। बाय इट्स ब्यूटी, अपनी सुंदरता से वो हमें प्रभावित करता है। विच गिव्स अस, जो हमें देता है, जो उसकी सुंदरता वो हमें देता है। जो एंड हैप्पीनेस, जो का मतलब होता है आनंद, हैप्पीनेस का मतलब होता है प्रसन्नता एंड खुशी। आपने पढ़ा था ना पोइम में, पढ़ा था कि जो कुमुदिनी का फूल होता है वो सिंबल ऑफ ए लाइट, वो लाइट प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश मतलब बच्चों पे, लाइट मीन्स जॉय एंड हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन बनेगा। तो इसका देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या है, ये लिखा है कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। ये लिखा है, देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है कि हाउ कैन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ का मतलब होता है मानव का जीवन भी परफेक्ट यानी पूर्ण कैसे बन सकता है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट यानी कवि के अनुसार, आपने पढ़ा पोएम में, आपने पीछे पोएम में पढ़ा कि मानव का जो जीवन है वो पूर्ण कैसे माना गया है, श्रेष्ठ कैसे माना गया है। ये पढ़ा था आपने, आपने पढ़ा था कि मनुष्य का जो जीवन होता है यदि वो अल्प अवधि के लिए श्रेष्ठ कार्य करता है तो वो श्रेष्ठ माना गया है। चाहे वो जिस प्रकार से अल्प अवधि की तुलना उन्होंने कुमुदिनी के फूल से की गई है, और चाहे भले ही मानव विशाल आकार में हो, उसका आकार बड़ा हो, यदि वो दीर्घकालीन अवधि तक अपने उनका जीवन अस्तित्व में रहे, लेकिन वो यदि वो श्रेष्ठ कार्य नहीं करता है समाज देश और दुनिया के लिए तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं माना गया है। तो ये बात अपन से पूछा जा रहा है इसमें कि मानव जीवन है वो उसको श्रेष्ठ कैसे, परफेक्ट यानी मानव का जीवन पूर्ण कैसे बन सकता है। तो अपन बात करेंगे, इसे आंसर लिखेंगे, आप क्वेश्चन से उत्तर स्टार्ट करेंगे। आप अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कवि के अनुसार आप लिखेंगे, आप लिखो द ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय डूइंग नोबल बाय डूइंग नोबल वर्क। देखो क्या कहना चाह रहा है कि मानव का जीवन है वो पूर्ण तब माना गया है यदि वो नोबल कार्य करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है। बच्चों ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है बाय डूइंग, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बाय डूइंग गुड एंड नोबल वर्क्स, बाय डूइंग गुड एंड नोबल वर्क। कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये कह रहा है कि मनुष्य जो होता है उसके जीवन को तभी पूर्ण माना गया है, अन्यथा चाहे वो श्रेष्ठ कार्य नहीं करता समाज के लिए तो उसका जीवन अर्थहीन है, कोई मूल्य मूल्यवान नहीं माना गया। कैसे, यदि वो समाज के लिए अच्छे या श्रेष्ठ कार्य करता है तभी मानव का जीवन श्रेष्ठ माना गया है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इनको आप अच्छे से साथ साथ तैयार करते रहे बच्चों। ये आपकी जो क्वेश्चन है, आप इनमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो वर्ड मीनिंग में, देखो कोई भी क्वेश्चन है उसमें यदि कोई ऐसा वर्ड मीनिंग आ जाए वो आप जिससे आपको परेशान कर रहा हो, तो उस वर्ड मीनिंग का आप तुरंत कमेंट करके लिखें ताकि हम उसका सिनेनिम वर्ड्स बता सकें और आपको एक्सप्लेनेशन कर सकें। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आपको नेक्स्ट अगली जो पोइम है उसके हम एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे, कंपोजिशन पार्ट आप पहले पढ़ चुके हो,
मैं आपको कह रहा हूँ, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो को अच्छी तरह से एक बार समझ में नहीं आए तो उसको एक बार नहीं, दो बार देखें, तीन बार देखें, फिर आप क्या करें, अपने रजिस्टर में आप मेंटेन करते चलें, रजिस्टर में उतारते हुए चलें उनको अच्छे से, ताकि बच्चों आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रहे बच्चों, आप वीडियो को जरूर लाइक, देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में वापस बात करेंगे।